हेलो दोस्तों, ये ट्रिप काफ़ी मेमोरेबल और काफ़ी मज़ेदार रही है हमारे लिए। और हमने रास्ते में बहुत कुछ कैंपिंग की, हमने कुकिंग किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो जो एक्सपीरियंस है वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब आप कहीं कहीं किसी भी जगह जाते हैं तो आपको उस जगह का पता नहीं होता। और जैसे होटल हमने लिया था, अब हमें पता है उस होटल के बारे में कि क्या प्रोज है, क्या कौनस है, वो हम आपसे शेयर कर सकते हैं। वहाँ की कंडीशन कैसी है, सड़क वगैरह कैसी है, और हमने क्या प्रिपरेशन की थी जाने से पहले, क्या क्या सामान खरीदा, वो सब प्रेटर में आपसे शेयर करने वाले हैं। और क्योंकि हमें कैंपिंग करना था तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारे लिए टेंट और तिरपाल की ज़रूरत थी, और हमें स्लीपिंग बैग की ज़रूरत थी, तो वो हम सबसे पहले खरीदने गए। सर, ही इज माय फ्रेंड, ये हमारे ओनर हैं। सर, नाम क्या भैया आपका? मयंक गोयल। मयंक गोयल जी, तो ये हमें दिखाएंगे एक दो टेंट। एक्चुअली जो लद्दाख जा रहे हैं हम, तो वहाँ के लिए हमें एक टेंट चाहिए होगा 3-4 लोगों के लिए। और मयंक जी ने काफ़ी हमें टेंट वगैरह दिखाए, ये डिफरेंट टाइप्स के टेंट हैं, क्योंकि वहाँ पे हवा काफ़ी तेज़ चलती है तो टेंट काफ़ी सही होना चाहिए। उसके अलावा जो ट्रैवलिंग स्टिक हमने लिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फोल्ड हो जाता है। और उसके अलावा जो स्लीपिंग बैग्स हैं, उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। इनका होलसेल का काम है, इनका अपना मैन्युफैक्चरिंग है, और ये सदर बाज़ार में है, तो प्राइस काफ़ी रीज़नेबल मिल जाएगा। पहले हमने सोचा था कि हम ऑनलाइन ट्राई करेंगे, लेकिन यहाँ के और ऑनलाइन के प्राइस में काफ़ी डिफरेंस। हमें चेयर्स भी चाहिए थे वहाँ पे, अगर हम कुकिंग कर दें तो बैठने के लिए। तो सपोज अब सब सामान आपका ऑनलाइन 20,000 का अगर होता है, तो यहाँ पे अगर सदर बाजार पे जाते हैं तो 10-12 हज़ार या फिर मैक्सिमम 15,000 तक निपट जाएगा, और काफ़ी पैसे आप सेव कर सकते हैं।
और हमने काफ़ी ट्रैकिंग शूज़ भी देखे थे इनके पास अवेलेबल था, और ग्लव्स वगैरह बाइकर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कैचुआ का ये शू मुझे पसंद आया था लेकिन मुझे फिट नहीं हुआ, तो दूसरा मैंने शू देख लिया था ये वाला, और काफ़ी ड्यूरेबल लग रहा है अभी तक मैंने इस ट्रिप पर यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद सब शॉपिंग करने के बाद हम लोग फाइनली जो बचा हुआ सामान था, हमें केरोसिन का स्टोव देखना था, ब्यूटेन का स्टोव देखना था। जो केरोसिन का स्टोव है वो वहाँ पर उतना इफेक्टिव नहीं है, काफ़ी देर में कुकिंग करता है, लेकिन जो ब्यूटेन है वो काफ़ी पावरफुल है, ये करीब 3 या 4 या 5 गुना ज़्यादा जल्दी कुक वगैरह करता है। उसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स हमने काफ़ी ले लिया था हाई कैलोरीज, क्योंकि हमें ट्रैवल करना था और ये हैंडी होता काफ़ी, अगर भूख लगे तो फटाफट खा जाओ अगर कहीं जगह पे आपको होटल्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं तो। और ड्रोन हमें 75,000 का पड़ा है, और उसके लिए हमें पूरा कैश निकालना पड़ा क्योंकि वहाँ पे कार्ड या फिर पेटीएम वगैरह कुछ नहीं चलता है, पूरा कैश में ही पेमेंट होता है। और ट्रिप के एक दिन पहले हमने ड्रोन लिया था, तो फ्लाई का उतना एक्सपीरियंस नहीं था, छोटे ड्रोन उड़ाए थे लेकिन ये मैविक एयर है, तो जो इस बार जो ट्रिप में हमें उतने अच्छे फुटेज नहीं मिले हैं कि सेटिंग्स वगैरह उतना आइडिया नहीं था, होपफुली जो नेक्स्ट हम ट्रिप करेंगे उसमें फुटेज आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेगा। और फाइनली शॉपिंग पूरा हो चुका, पूरा दिन लग गया था हमें चांदनी चौक में, और गाड़ी हमने ओल्ड दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे खड़ी की थी, उसके बाद हम लोग वापस घर की तरफ चले गए। और प्रैट ने पूरी लिस्ट तैयार करके रखी हुई है, वो आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ों की वहाँ पे जरूरत पड़ सकती है। So today we are going to talk about क्या सामान आपको ले जाना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। So as you can see to start with from this side you can see we have almost 75 liters of drinking water. So हमें ध्यान रखना है कि बहुत सारा पानी आपके पास हो, you can buy it on the way as well. I think वहाँ पे काफी costly भी है, 30 रुपए का पड़ेगा। It's costly and then you want to make sure कि आपके पास हमेशा पानी है, क्योंकि आपको खाना बनाना कुछ भी करना है पानी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Then fruit juices we have plenty of it, we have it here, we have it there, based on your taste you need to have that. If you take a look right here we have हमारे पास कुछ पानी है जो हम daily day to day cleaning वगैरह के लिए use कर सकते हैं। We'll have some more bottles. This one is distilled water for battery. We'll talk about that. Then I have yoga mat here. This one is shovel. As you can see, these are the diesel boosters. आपको जरूरत जरूर पड़ेगी क्योंकि डीजल की क्वालिटी वहाँ पे अच्छी नहीं होती है. And at every 1,000 feet, आपके इंजन में 3% पावर लॉस होगा. So at 19,000 feet, it will be around 27% पावर लॉस होगा. आपके पास डीजल बूस्टर्स होने चाहिए यहाँ पे। ये ऑक्सीजन मीटर है, इससे मालूम पड़ेगा कि ऑक्सीजन कितना है। जैसे ही 85 से नीचे जाता है दैट मींस यू नीड टू टेक ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं, चेक इन। दिस इज ऑक्सीजन मास्क दैट वी हैव एज अ बैकअप। देन वी हैव रेनकोट्स, वी हैव टिश्यू, वी हैव 6 kgs ऑफ ड्राई फ्रूट्स इन एयर टाइट पैक्स। ओके, वी हैव फोल्डिंग चेयर्स, वी हैव सम एम्प्टी बॉटल्स फॉर डीजल वाटर व्हाटएवर। In this cover we have butane cylinders because we are taking this butane stove on high altitude aapka khana jaldi banane ke liye. Kerosene bahut time lega, butane is faster than this. It's pretty compact, aapko bas knob yahan se on karna hai and it has igniter, apne aap yahan pe flame jal jayega. Cartridge, ek cartridge butane cylinder jo iske andar lagta hai wo 3 ghante full flame pe chalega. हम 4 लेके जा रहे हैं, सो 12 घंटे की कुकिंग के लिए हमारे पास सामान है पूरा यहाँ पे गार्बेज डस्टबिन बैग है। वी वांट टू मेक श्योर कि हम क्लीन छोड़ के आ रहे हैं, वी आर नॉट लीविंग लॉट ऑफ फुटप्रिंट्स, सो वी विल टेक एवरीथिंग एंड वी विल रिसाइकल इट। सम पैन्स, नाइफ्स एंड देन वी हैव रेडी टू ईट राजमा, दाल माखनी, राइस हम बनाएंगे, हमारे पास राइस है, बाकी सब यहाँ पे डिस्पोजेबल आइटम्स हैं। These are the tracking sticks. As you can see, I have one in my hand. We'll use it while tracking. We have Glucon D. We need to be hydrated. We talked about it. आपको this is car inverter. You need that for sure because वहाँ पे आपको सारे gadgets charge करने हैं अपने. This is the headlamp that I'll be using for other things. This is just spare batteries.
थोड़ा नमकीन आप अवॉइड कीजिए नमकीन खाना, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा परेशानी होगी, माउंटेन सिकनेस ज़्यादा होती है. बट स्टिल टेस्ट चेंज करने के लिए हमारे थोड़ा भुजिया है, वी हैव मिल्क, अगेन वी हैव ड्राई फ्रूट्स, वी हैव 1 kg बटर, मैगी, पिकल, जैम, हनी, अगेन अ बिट ऑफ जैम, देन डिफरेंट टेस्ट ऑफ मैगी, बिकॉज यू विल बी ईटिंग अ लॉट ऑफ मैगी. You can always take another set of noodles. That's trendy. Toilet roll very important. Sunscreen ले जाना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे UV rays बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको harm कर सकती हैं. Sanitizer, knife, your selfie stick. Now this is a tactical flashlight. It's very important. It's very bright. The range is almost 800 meters. Then the toast strap is very important, guys. This is a toast strap. The hanging weight is up to 6 tons. The pulling weight is 12 tons. अगर आपकी गाड़ी 2.5 टन की है तो आपको कम से कम 4 टन का टो स्ट्रैप चाहिए, क्योंकि खींचने में आपकी ज़्यादा एनर्जी लगती है. सो मेक श्योर यू हैव वेरी गुड क्वालिटी ऑफ टो स्ट्रैप. इवन इफ यू आर यूजिंग ए 4x4, आपको टो स्ट्रैप की जरूरत पड़ सकती है. एंड आपको नहीं पड़े तो आप किसी की मदद कर सकते हैं. मेक श्योर यू हैव ऑल द IDs. इफ यू आर टेकिंग मेडिसिन यू हैव दैट. यू हैव ऑल द मैप्स एंड यू हैव ऑल द बुकिंग एंड आइटनरी व्हाटएवर यू हैव. Having a lot of information handy is helpful at the check post and everything. As a backup, we are taking a kerosene stove. यहाँ आप देख सकते हैं हम blood pressure monitor machine ले जा रहे हैं manual. For a better accuracy, we'll take this. These sleeping bags. These are minus 10 degrees approved. This is our tent for 4 people. 100 किलोमीटर सुबह की विंड स्पीड को भी झेल सकता है. दिस इज वेरी प्रोफेशनल, स्टर्डी एंड कॉम्पैक्ट. ओवर दिस एंड वी आर टेकिंग फ्लास्क गर्म पानी रखने के लिए, टू मेक इट फास्टर. हमारे पास त्रिपाल है टेंट के नीचे बिछाने के लिए. दिस इज कार सेफ्टी किट. इट हैज ग्लव्स. फ्यूज ले जाना ना भूलें, फ्यूज बहुत जरूरी है. गाड़ी फ्यूज उड़ सकता है. इलेक्ट्रिक टेप है, जंपर केबल्स हैं गाड़ी स्टार्ट करने के लिए. फर्स्ट एड किट के अंदर सारा सामान है और मेडिसिन भी है. मेडिसिन के साथ प्रिस्क्रिप्शन भी है, डिटेल भी है. टायर प्रेशर मॉनिटरिंग गेज ना ले जाना भूलें, बहुत ज़रूरी है. ये आपका पंचर किट है, बहुत ज़रूरी है. गम बूट्स ले जाइए अगर आपको पानी में उतरना पड़ेगा, बहुत रॉकी ट्रेन है, फोटोग्राफी वगैरह करनी है, आप गम बूट्स आपकी ज़रूरत है. एग्स वहाँ पे मिल जाएंगे, बट अगेन यू नेवर नो वेयर यू आर स्टॉपिंग, सो इट्स ओके टू टेक सम एग्स. चॉकलेट स्कूप्स ले जा सकते हैं, दे आर हाई कैलोरीज. दिस इज हैवी ड्यूटी टायर इन्फ्लेटर. मेक श्योर दैट यू हैव द वन दैट्स हैवी ड्यूटी. We have a small toe strap for small vehicles. Then we have some disposable fruit juices. ये बहुत important item है. Jerry can. We are going to take 35 liters of extra diesel because वहाँ पे लेह के बाद आपके पास Nubra Valley में आपके पास एक petrol pump है, सिर्फ एक है. अगर वो बंद है then you can be out of luck. And then Pangong Lake तक आपके पास कुछ नहीं है. Keelong में शायद आपको एक petrol pump मिलेगा. Then you have your all luggage and everything. So I guess that's pretty much on the gadget side. We'll be taking a lot of DSLRs and that's why we have tripod. We have DJI Mavic Air, so all the cables and DJI. So that's pretty much what we have. I have box of the tire inflator that I'm using. आपने उसका बैग देखा था, वहाँ पे रखा हुआ है. But this one is heavy duty. ये बहुत ज़्यादा बात कर आवाज़ नहीं करता है, बहुत जल्दी इन्फ्लेट कर देता है. ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप अपनी मदद तो करेंगे ही करेंगे, लद्दाख जैसे रीजन में आप किसी और की मदद भी करें. कोशिश करनी है कि जितना पानी पी सके उतना अच्छा है. दवाई में एक दवाई आती है, उसका नाम है डाइमॉक्स, वो ले जाना ना भूलें. अगर आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने के सिम्टम्स आ रहे हैं, लेह में ही आप डाइमॉक्स का प्रिकॉशनरी कोर्स कर सकते हैं. 250 mg की मेडिसिन मेरे ख्याल से एक लीजिए एक दिन में, और आप ताकि खारदुंगला पास चढ़ते टाइम आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो. ये ब्यूटेन स्टोव जब भी आप ले जाएं, उसे कार्ट्रिज ले जाएं, मेक श्योर दैट यू हैव देम प्रीटी मच इंसुलेटेड, बिकॉज इसका टेम्परेचर 50 डिग्री से ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए. ये डेंजरस हो सकता है. सो आप कार में इसको ना छोड़ के जाएं अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है. यू हैव टू कैरी देम अलॉन्ग विद यू. स्टोव आप वैसे कैसे ही छोड़ सकते हैं. कैरोसिन इज प्रीटी स्टेबल, डीजल इज प्रीटी स्टेबल, यू कैन लीव दैट इन कार. ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है. मगर ये सारा सामान है गाइस हमारे पास. टाटा हेक्सा गाड़ी है और ये सारी लोडिंग वहाँ पे आप ऐसे कीजिए कि द वेट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि रियर व्हील ड्राइव है. जितना वेट पीछे की तरफ होगा हमारे लिए उतना ही फायदेमंद है, क्योंकि उतना ज़्यादा ट्रैक्शन हमें मिलेगा. एक और रीज़न है हैवी ड्यूटी टायर इन्फ्लेटर ले जाने के पीछे, रीज़न ये है कि जब भी आपको स्लश मिलेगा या फिर आपको सैंड मिलेगा तो आपको टायर से हवा निकालनी चाहिए ताकि आपको एक्स्ट्रा ग्रिप मिल सके और उसके बाद आप दोबारा इन्फ्लेट कर सकते हैं क्विकली. एंड यू कैन ओनली डू इट व्हेन यू हैव द हैवी ड्यूटी इन्फ्लेटर. एंड यू नीड टू ड्राइव वेरी केयरफुली, क्योंकि रात नाइट ड्राइव अवॉइड कीजिए, क्योंकि रात में आपको इल्यूजन हो सकता है कि मोड है या नहीं मोड है. सो जस्ट बी केयरफुल. एंड कैंपिंग करने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए आपको. डोंट बी टू केयरलेस.
नदी के एकदम पास में जाए, हो सकता है पानी बढ़ जाए उसका, और वील टॉक अबाउट दैट एज वी मूव इन. वील टॉक अबाउट द लोकेशंस, मेक श्योर दैट यू आर नॉट पिचिंग योर टेंट इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया, सो वो सब जरूरी है. ट्रैकिंग स्टिक अगर आप ले जाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यू विल बी टायर्ड, यू नीड सपोर्ट व्हाइल यू आर वॉकिंग और डूइंग एनीथिंग, एंड स्टिक इज ऑलवेज, यू कैन ऑलवेज यूज इट फॉर सेल्फ डिफेंस. लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जांपल ऑफ व्हाट यू कैन डू. टेक अ लॉट ऑफ टेप दैट यू कैन. सो लेट्स से इफ यू आर स्लीपिंग एंड देन देयर कुड बी बेयर्स अराउंड, देयर कुड बी वुल्व्स अराउंड, यू कैन टेप दिस अराउंड योर स्टिक very well, and then you have good reach, right? So I'm not saying that you need to be too scared, but be ready for anything that can come on your way, and then you can tape it, and then once it's day and you have open visibility, you are not like under any threat, take it off, chop it, chop your vegetables, make nice omelette and enjoy your trip. So that would be all from my end, guys. This is the items that we'll be taking for a Ladakh trip and camping. Alright guys, so तकरीबन 11 बजने वाले हैं और हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं. आई जस्ट पिक विनोद फ्रॉम ऑफिस. द कार इज फुल्ली लोडेड, वी हैव अराउंड 250 kgs ऑफ स्टफ. यू कैन टेक अ लुक एट अ बूट. आई जस्ट मेड श्योर दैट आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ रियर विजिबिलिटी, बट इट्स प्रीटी मच पैक्ड. या दैट्स इट, हमने बॉटल्स काफ़ी नीचे लगाई हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ध्यान रखा है, ऊपर लाइट सामान है, नीचे हैवी सामान है. शुरुआत कर रहे हैं हनुमान चालीसा से, आगे ज़्यादा सामान नहीं है, बीच में सामान है, और द स्टॉप शुड बी पानीपत नाउ. 14 आवर्स ऑफ ड्राइव, वील गेट इट फ्यूल 60 लीटर्स यहाँ पे और 35 लीटर्स जेरिकैन में, एंड देन वी आर रोलिंग नॉन स्टॉप. दैट्स इट गाइस. कूल मैन, थैंक यू. सो ये ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे है, वी आर अवॉइडिंग दिल्ली कम्प्लीटली, एंड इट्स लाइक एन आउटर सर्कल ऑफ दिल्ली. ये सीधे पानीपत वाली रोड पे जाके मिलेगा, और हमें टोल पे पर्ची मिली है पर बताया नहीं गया है टोल कितने का है, उसने बोला एग्जिट पे देना है. अगर मूर्तल हमारे रास्ते पे पड़ता है तो हम पराठे कैसे मिस कर सकते हैं. हमने एक एक पराठे जाते हुए खा लिए थे. देव के ढाबे पे रुके हैं पराठे खाने के लिए, एंड जल्दी करके हम यहाँ से निकलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. वी गेट बैक. साढ़े 300 किलोमीटर से हो चुका है और 1 घंटे से चल रही है. टायर शू के देखने से लग रहा है काफ़ी ज़्यादा गर्म है. जब मैंने हवा टेस्ट करी जब हम घर से चले थे तो 35 PSI थी, अब 39 हो चुकी है, और हवा निकालने के अभी भी बाद 37 है. तो जब भी कभी ऐसा हो, आपने जो ये कैप है इसका नोजल का, आप इसका उल्टी साइड से हवा निकालिए, और हवा अभी भी इतनी ज़्यादा गर्म है कि अब फील हो रही है, क्योंकि डिपेंड करता है कि लोड किस तरफ ज़्यादा है या फिर सब अदर कंडीशन. आइए वाला टायर चेक करते हैं. ठीक है, 34.5 दोनों जगह हो गया. एंड दैट्स इट, मिलते हैं आपको स्टेशन पर. सही बात है. ऑसम ऑसम. ऑलराइट, सो वी हैव कवर्ड 500 किलोमीटर्स ऑन हाफ टैंक. राइट, एज यू कैन सी दैट. And the meter is showing close to 18, but I'm sure that the actual average is around 16 or 15.5, which is still decent enough. And Patni Top is still 5.5 hours away, 240 kilometers to go, and after a bit of stretching, we are starting again. No sleep from past 25 hours. 26. Let's roll. Wow, that's a big one. So
गाइस हम लोग पठानकोट पहुंच चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पे रिलायंस का पेट्रोल पंप मिला मेरे को। ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए, रिलायंस और शेल के पेट्रोल पंप से अगर आप डीजल भरवाएंगे तो क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। सो हमने टैंक फुल करा लिया है और पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं और एंट्री करते ही पठानकोट बहुत खूबसूरत लगा, बड़ी एक्साइटेड। 4 घंटे के आसपास का रास्ता और बचा हुआ है क्योंकि पटनी टॉप की चढ़ाई ही 2.5 घंटा ले लेगी जो कि सिर्फ 50 किलोमीटर की है। बाकी सब एक तो मौसम चल रहा है, इट्स गोइंग प्रीटी ओके। अब तो होटल जाके सोएंगे। And thank you, Pratt, for that. And मुझे ट्रैवलिंग पहले से ही काफ़ी पसंद था, ट्रिप करना काफ़ी पसंद था, लेकिन मैं टाइम बिल्कुल नहीं निकाल पाता था। तो मैंने बीच में कहीं पे कोट पढ़े कि आप उतना ही कमाइए जितने में आप खुश रह सकते हो, ज़्यादा पैसे कमाने से आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कोट, और फिर मैंने अपनी लाइफ को धीरे धीरे चेंज किया, ट्रैवलिंग पे टाइम देना शुरू किया अपने, और कामों पे भी ध्यान करना शुरू किया। तो जो ये कोट है काफ़ी सही है, सिर्फ पैसे कमाने से कुछ नहीं होगा, आपकी अपनी एक लाइफ भी है, सिर्फ एक बार मिलती है, आपको इन्जॉय करना भी बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है शायद बहुत लोग मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री नहीं करें, मैं भी यही सोचता था पहले कि पैसे बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है आपकी सोच वो बदल जाती है, आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती है। तो फ़िलहाल जो मेरी प्रायोरिटी है, मुझे हर चीज़ पे ध्यान देना है, ट्रैवलिंग भी करनी है, अपना अपने जॉब पर भी ध्यान देना है, मेरी फैमिली भी है, सब कुछ है, तो वो एक साथ सब कुछ करना है। और ये मुझे पता है कि सबकी जो प्रायरिटीज़ होती हैं अलग अलग होती हैं, पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, लेकिन नई जगह देखना, उन वादियों को देखना और उन चीज़ों को महसूस करना, ये हर कोई चाहता है। सो थोड़ा सा वक्त निकालना अपने काम से बहुत ज़रूरी है, लोगों से मिलना, नई नई जगह देखना, एक्सपीरियंस करना, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ एज वेल। और ये पहला लैंडस्लाइड ट्रैफिक हमें मिला था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 30 मिनट में ये खुल गया था, लेकिन ऐसी सिचुएशन बार बार आ सकती है, तो टाइम का बफर लेके चलना आपको ज़रूरी है। और आपको बहुत सारी सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं, आपको टनल मिलेगा, अच्छी सड़कें मिलेंगी और बहुत ख़राब रास्ता भी आपको मिलेगा। तो यही एक ट्रैवल है, कम्प्लीट पैक, जिसमें आपको हर तरीके का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और ब्रेट को ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो उसको ऑफ रोडिंग करना बहुत पसंद है, उसको ख़राब रास्ते बहुत पसंद है। तो जब हम पटनी टॉप पहुँचे, जो हमारा रिजॉर्ट था, जो हमारा होटल था, थोड़ा सा हटके था, और वहाँ का जो रास्ता था काफ़ी नैरो रास्ता था और काफ़ी चढ़ाई थी, तो यहाँ पे ब्रेट को पहला एक्सपीरियंस मिल गया था एंड उसे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर ड्राइव करने का। और फाइनली हम अपने रिजॉर्ट पहुंच गए थे, जो हमने रिजॉर्ट बुक किया था उसका नाम वरदान रिजॉर्ट था। लास्ट टाइम पे बुक किया था तो हमें नहीं पता था कि कैसा है, रेटिंग्स वगैरह देखी थी, ठीक ठाक थी, लेकिन जैसे हम वहाँ पे पहुँचे हैं हमें बहुत सुकून मिला, खुली खुली जगह, काफ़ी अच्छा सीन और रूम्स काफ़ी अच्छे थे और जो इन्वायरमेंट था वहाँ का बहुत अच्छा था। और उतने घंटे ड्राइविंग करने के बाद, ट्रैवलिंग करने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन जैसे हम उस रिजॉर्ट पे पहुँचे हैं एक खुशी की लहर दौड़ गई हमारे अंदर और जो व्यू वगैरह था काफ़ी अच्छा था। हम एक ही दिन रुके यहाँ पे, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि अगर 2-3 दिन यहाँ पे रुकने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। और जैसे कि मैंने मेंशन किया था, रूम्स काफ़ी अच्छे थे। सबसे पहली चीज़ होती है आप बाथरूम देखते हो और बिस्तर देखते हो कि जो बेड वगैरह कितना साफ़ है, बहुत क्लीन था, बहुत नीट एंड क्लीन था। और जो दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट था, इसका व्यू, अगर जैसे ही मैंने पर्दा खोला उसके बाद व्यू देख सकते हैं, बहुत ही फैंटास्टिक था। अगर आपको पटनी टॉप जाने का प्लान होता, अगर ये रास्ते में पड़ता आपके लेके, तो आप इजीली गूगल में सर्च कर सकते हो वरदान रिजॉर्ट, ये आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा, इसकी रेटिंग्स भी अच्छी हैं, रूम्स अच्छे हैं, खाने की क्वालिटी अच्छी है, इन्वायरमेंट अच्छा है, तो आप लोग आँख बंद करके इस रिजॉर्ट को बुक कर सकते हैं।
रिजॉर्ट का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था, रात को भी बहुत लोग बॉनफायर कर रहे थे, गाना वगैरह गा रहे थे, हमारा भी मन हुआ कि वहाँ पे जाके बैठे और सिंगिंग वगैरह कर रहे हैं, लेकिन हम इतना थक चुके थे कि हम लोग खाना खाने पास हो गए थे। और दूसरे दिन सुबह जल्दी उठने के बाद हमने परमिशन ली थी वहाँ के मैनेजर से DJI फ्लाई करने के लिए, क्योंकि आप बिना परमिशन के नहीं उड़ा सकते। तो वहाँ का जो व्यू है DJI से, ड्रोन से, बहुत ही स्पेक्टेकुलर आया। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये मैं पहली बार फ्लाई कर रहा था, तो सेटिंग्स वगैरह मुझे उतना आइडिया नहीं था, उसके बाद भी जो उसका व्यू आया बहुत अच्छा आया। तो पटनी टॉप तक काफ़ी आपको हरियाली वगैरह दिख जाती है, और यहाँ से जैसे जैसे अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आपको कारगिल आएगा, फिर द्रास आएगा, फिर ले आएगा, जो जो पेड़ पौधे हैं हरियाली वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं कारगिल और ये ले वगैरह, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है और ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ज़्यादा कम है। तो जो डे टू कल शुरू होगा वो यहाँ से कारगिल, कारगिल से द्रास, फिर द्रास के बाद लेह का सफ़र शुरू होगा यहाँ से। पहले हमारा प्लान था कि कश्मीर जाना था हमको, लेकिन वहाँ पे कोई जो सिचुएशन है वहाँ पे थोड़ी अच्छी नहीं है, तो हमने वो कैंसिल करने के बाद हम यहाँ से सीधे कारगिल और द्रास होते हुए हम लोग लेह को निकलेंगे। एंड बिलीव मी गाइस, ये सिर्फ एक शुरुआत है, इसके आगे का सफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वहाँ की सड़कें, वेदर कंडीशन और जो वहाँ का सीन है बहुत ही फैंटास्टिक है। तो डे टू में आपसे फिर दोबारा मुलाकात होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मेहनत और टाइम लगा है इस वीडियो को एडिट करने में, और बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको अपडेट टाइम पर आती रहे। डे टू पर फिर से आपसे मुलाकात होती है। टिल देन बी हम्बल, बी पोलाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।